भारत ने वेस्ट इंडीज़ के मैदान पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना इतिहास को रखा है अब बरकरार और जीता है एक और श्रृंखला मेरे यार अक्षर पटेल और ये कप ने एक और पहली बार बनाया है और यही करियर में अपना अर्धशतक और आया है विनिंग कॉज में और बताया कि और ये है किया कि अक्षर का नाम होगा कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा क्योंकि ये काम ही कुछ ऐसा किया है लग रहा था कि कैसे जीत पाएगा 10 रन प्रति ओवर से भी तो ज़्यादा चाहिए था लास्ट के कुछ ओवर में जब आए बल्लेबाजी में लेकिन सब है छाए शुभमन गिल से करते हैं शुरुआत नहीं उसमें भी आएंगे और शुरुआत से करते हैं चर्चा कि क्या हुआ ये मुकाबले में मिले यार क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के ये मुकाबले में बल्लेबाजी करने का लिया निर्णय और शेन होप शाई होप ने क्या छाया है ये बल्लेबाज 115 रन बनाया 135 बॉल्स खेले और अपने बल्लेबाजी का असली जलवा दिखाया अपना असली पोटेंशियल अपने सबके सामने प्रस्तुत किया और कायल मेयर जो लास्ट मैच में अच्छे थे ये मैच में भी फॉर्म में लगे क्योंकि 23 बॉल में 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली जेम्स ब्रुक्स ने 36 बॉल में 35 रन की एक पारी खेली ब्रैंडन के किंग के बल्ले से रन आया नहीं डक हुए वो आउट चहल के बने शिकार निकोलस पुरन कप्तान चल पड़े सीना तान 77 बॉल्स में बनाया 74 रन का एक बात क्योंकि 6 छक्का और 1 चौका के साथ लगाया उसकी भी होगी बात रोमन पावल ने 10 गेंदों में 13 रन एक्सेल हुसैन ने 4 गेंदों में 6 रोमियन शेफर्ड ने 11 गेंदों में 15 और सिराज को एक भी विकेट मिला नहीं सख्त इकोनॉमिकल को 4.7 के इकोनॉमी से रन दिया आवेश खान को महंगा थे वो 6 ओवर में 54 रन दिए एक भी विकेट नहीं शार्दुल ठाकुर लॉर्ड ठाकुर ने अपने गेंदबाजी से हल्का फुल्का जलवा दिखाया रन जरूर 7 की इकोनॉमी से दिए लेकिन 3 विकेट महत्वपूर्ण विकेट चटका कर दी दीपक हुड्डा का एक नया अंदाज थ्री डी प्लेयर बन सकने की रखते हैं काबिलियत आज उसका दिखाया हल्का सा झलकी क्योंकि 9 ओवर करवाया कप्तान शिखर ने और वो गए शिखर पर क्योंकि 42 रन देकर एक विकेट चटकाई अक्षर पटेल 9 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट उन्होंने चटकाया युजवेंद्र चहल ने 9 ओवर में 69 रन देकर एक विकेट उन्होंने भी चटकाई और जब 311 तक पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज तब शुरुआत होनी ज़रूरी होती है लेकिन शुरुआत मिलती है पहले 10 ओवर तक भारत ये बार भी कोई विकेट नहीं खोता है 48 रन पर एक विकेट 11वें ओवर में होता है लेकिन जब विकेट एक बार गिरती है लास्ट मैच के जैसे ये बार भी हमने देखा कि एक विकेट गिरने के बाद वो उसके जो 7-8 ओवर है उसके अंदर 3 विकेट गिरी फिर श्रेयस अय्यर 178 रन पर उनका विकेट गिरा 205 रन पर पाँचवा विकेट संजू सैमसन का और करते हैं अब थोड़ी सी गिल के बारे में बात की ये खिलाड़ी क्या लगता है जब खेलता है क्लास बल्लेबाज अपनी पूरी तरीके से अपनी मोहर लगाने की कर रहा है कोशिश दोनों मैचों में छाया है और ओडीआई क्रिकेट को और दिल से लगाया है टेस्ट क्रिकेट में झगी को लगभग अभी पक्का है नहीं कि तीसरा या चौथा ओपनर तीसरा ओपनर के आते हैं उसकी खोज में आते हैं लेकिन यहाँ पर ओडीआई में ओपन करने का मिला मौका और दोनों मौके को अच्छा बनाया है अब पारी को लंबी करनी होगी और लंबा खींचना होगा एक चीज़ अभी के बल्लेबाजों से ये कम देखने मिल रहा है श्रेयस अय्यर के पास आज भी ये मैच में भी मौका था कि वो एक अर्धशतक वाले पारी को शतक में कन्वर्ट करें लेकिन वो ये बार भी हो नहीं पाया 63 रन उन्होंने बनाई 71 बॉल्स में सुमन गिल ने 49 में 43 रन बनाया सूर्य कुमार का ये मुकाबला था नहीं एक ये मैच में ज़्यादा रन बने नहीं संजू सैमसन ये खिलाड़ी के लिए भी ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है और मौका मिला है और मौके को अच्छा भी तक चलाया है क्योंकि ये मैच में एक इम्पॉर्टेंट रन 54 रन बनाया 51 बॉल में 3 चौका 3 छक्का के साथ लास्ट मैच में लास्ट ओवर का वो ड्राइव मार के वो रन बचाना याद होगा सबको अब फिर दीपक हुड्डा 33 रन बनाया उन्होंने 36 बॉल में ठीक ठाक
थी वो पारी। अक्षर पटेल, पापू ने किया कमाल और सब और इंग और वेस्ट इंडीज़ को उनके ही घर में है धोया। ये मुकाबले में मेरे यार 64 रन बनाया 35 बॉल्स में, 5 छक्का 3 चौका के साथ छक्का मार के मैच को भारत को जिताया। और लॉर्ड ठाकुर ने 6 गेंदों में 3, आवेश खान 12 गेंदों में 10, मोहम्मद सिराज ने 1 बॉल में 1 रन बनाए। और गेंदबाजी की अगर करें बात तो अलजारी जोसफ ने 10 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लगाई। जैकडिन सेल्स ने 10 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लटकाया। रोमियन शेफर्ड ने 10 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट लटकाई। काइल मेयर ने 7.4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लटकाई। एलेक हुसैन ने 9 ओवर में 72 रन देकर 1 विकेट लटकाया। और एजन वास ने 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट नहीं। अब समस्या तो कुछ कुछ है, उस पर काम करना होगा और राहुल द्रविड़ उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तो बर्निंग जो टॉपिक ये मैच का ऊपर है नहीं, वो एक है विराट कोहली बहुत चर्चित में है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड उनके बात पर भी थोड़ा दे देते हैं। बार बार आप बहुत सारे स्टार स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत इंटरव्यू जब IPL के समय में दिया था, उस माह से कुछ निकल के आ रहे हैं खबरें, इसलिए आपके पास हर दिन कोटेड लाइन्स में विराट कोहली की बात आपको सुनने आ रही है। उनका एक जो कोटेड लाइन में ये मालूम अभी रिसेंटली अभी आया है कि वो भारत को बतौर बल्लेबाज बतौर एक प्लेयर उनका सपना है कि वो भारत को एक वर्ल्ड कप और एशिया कप जिताए, तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं, ये अच्छी चीज़ है। तो अब एक ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो कप्तानी में ये नहीं चाहते थे, क्या कप्तानी में ये वो क्या था और क्या नहीं था वो तो मालूम नहीं, लेकिन मालूम ज़रूर ये है कि आपको अगर बताएं तो महान महान जो प्लेयर्स हैं वो लोग ने कप्तानी सचिन तेंदुलकर को इतनी ज़्यादा रास आई नहीं, कोहली को रास आया है ज़रूर, लेकिन अभी समय ठीक नहीं, इसलिए उनके लिए अभी कुछ बोलना भी कुछ उचित नहीं रहेगा मेरे लिए। लेकिन अभी ये है एक चीज़ है कि अभी वो रेस्ट में गए हुए, उन्हें अपना पूरा समय लेकर वापस जरूर आएंगे और स्ट्रॉन्ग आएंगे। और अभी भी और उनके रिलेटेड एक और ये बात है कि जिम्बाब्वे के टूर में उनको क्या भेजने का BCCI उनसे कर रही है बात, वो है चर्चे में कि एशिया कप के पहले वो खेल लें 3 और यही। और आपको एक याद दिला दें कि आपको एक तो शुरुआत में मैंने बोला था एक हिस्टोरिक की हिस्ट्री को रखा है बरकरार, इतिहास को रखा है बरकरार, तो उसका ये है बात कि आखिरी 10 साल से वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा हमने वो ग्राउंड पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच खेले हैं। और हम लोग ने यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने हारा भी नहीं है मैच 10 सालों लगभग उतने सालों से, बहुत सालों हो गए हैं यहाँ हारे हुए, और उसको ही रखा है बरकरार। अक्षर पटेल ने छाए हैं, विराट की कर रहे हैं बात, तो बोलना चाहूँगा कि ये आएगा ज़रूर ये खिलाड़ी वापस जल्दी इसका है। और मैं बोल रहा था कि ये वेस्ट जिम्बाब्वे के टूर में ये आपको क्या BCCI से हो रही है बात, इसके बारे में तो पूरी यह नहीं मालूम मुझे मालूम बात, लेकिन इतना ज़रूर है कि एशिया कप में वो खेलते नजर आएंगे, वहाँ तो खेलेंगे ही। आपको विराट कोहली आपको बल्लेबाज फॉर्म में आपको चाहिएगा वर्ल्ड कप के लिए, सब पूरा भारत का ये उम्मीद है कि वो आएंगे फॉर्म में। और जिम्बाब्वे में जो 3 ODI है वहाँ पर क्या वो जाएंगे इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और बता दें कि जो T20 अब जो मैच होगा जब वो विराट खेलेंगे उसमें उनका 100वां T20I मुकाबला होगा अपने करियर का, वो एक ग्रैंड और स्पेशल बन सकता है, क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के सामने वो मुकाबला भारत खेलेगा एशिया कप में। शायद जो अभी तक की मेरी जो थॉट रहती है कि वो शायद से अपना जो 100 मैच है जो 99 अभी तक खेले T20 100 जो T20 होगा वो पाकिस्तान के सामने खेलेंगे शायद। अभी आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।